मूवी शुरू होती है तो हमें कुछ लुटेरे भागते हुए दिखाए जाते हैं और उनके पीछे कुछ सोल्जर्स भी लगे हुए थे। वो वहाँ से कुछ सामान चोरी करके भाग रहे थे और पुलिस से बचते बचते वो एक केव में चले जाते हैं। रात को अपना सामान देख रहे होते हैं कि इसमें क्या क्या है, तो उन्हें अपने सामान में एक मैग्नेट भी मिलता है। उन्हीं लुटेरों में से एक लड़के का नाम विलियम होता है। वो अपने साथी से ब्लैक पाउडर के बारे में बात कर रहा होता है। ये एक ऐसी चीज है जो कि हवा को आग में बदल देती है और इसकी वजह से इन्हें लूटने में और भी आसानी होगी। अभी वो लोग बात कर ही रहे होते हैं कि एक अजीब सा आदमी आता है और उनमें से तीन लोगों को मार देता है। क्योंकि वो बहुत फास्ट था तो वो किसी को भी नजर नहीं आता। अब विलियम और उसका साथी काफी डर जाते हैं। विलियम को लगता है कि कोई उसके पीछे है और वो जैसे ही पीछे मुड़ता है तो अपनी तलवार से किसी का हाथ काट देता है और वो आदमी जिसका हाथ कटा था वो खुद खाई में गिर जाता है। विलियम उसका कटा हुआ हाथ उठाकर अपने बैग में डाल लेता है ताकि वो लोगों से पूछ सके कि ये किसका हाथ है, यानी उसने किसको मारा। अब हम देखते हैं कि विलियम और उसका साथी गार से बाहर आ गए हैं और अब वो ब्लैक पाउडर की तलाश में है। यहाँ पर सोल्जर्स फिर से उनके पीछे लग जाते हैं। वो अपने घोड़े तेज तेज भगाने लगते हैं और चलते चलते वो द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना पहुंच जाते हैं। वो वहाँ पर देखते हैं तो चाइना की आर्मी वहाँ पर खड़ी होती है। वो उनको रोक लेती है। अब विलियम लोगों के पीछे बाकी सोल्जर्स भी थे तो वो कुछ नहीं कर पाते तो सरेंडर कर देते हैं और अब उन्हें पकड़ लिया जाता है। फिर उन दोनों को ले जाया जाता है चाइना के जनरल के पास। वो विलियम के पास जब वो हाथ देखता है तो बहुत हैरान हो जाता है और पूछता है कि ये तुम्हें कहाँ से मिला। तो विलियम बताता है कि इस आदमी ने हम पर अटैक करने की कोशिश की थी तो मैंने इसका हाथ काट दिया और ये मैं इसीलिए अपने साथ लेकर आया हूँ ताकि मुझे कोई बता सके कि ये कौन है। कोई उनकी बात पर यकीन नहीं करता। वहाँ पर एक फीमेल कमांडर भी होती है जिसका नाम लिन था। वो उन्हें कहती है कि तुम लोगों की सजा मौत होनी चाहिए और जनरल उन्हें ये सजा सुनाने ही वाला होता है कि एकदम एक आदमी कहता है कि ये लोग सच बोल रहे हैं, इनकी तलवार पर अभी भी ताजा खून लगा हुआ है कि तभी वहाँ पर एक सोल्जर भागा भागा आता है और वो जनरल को बताता है कि उन लोगों ने हम पर हमला कर दिया है। जनरल अपने सोल्जर्स को ऑर्डर देता है कि अपनी गन्स तैयार कर लो। दूसरी तरफ विलियम और उसके साथी को कैद कर लिया जाता है। तो विलियम जनरल के खास आदमी से पूछता है कि मैंने जिसको मारा वो कौन था और तुम लोग मुझे क्यों नहीं बता रहे हो और इतनी सारी आर्मी होने के बावजूद तुम लोग दुश्मनों के आने पर इतना डर क्यों रहे हो। तो वो आदमी विलियम को बताता है कि इनकी आर्मी हमारे मुकाबले में काफी पावरफुल है और इनके साथ एक मॉन्स्टर भी है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो आर्मी इन पर अटैक करने लगती है। अब ये लोग भी पूरी जान के साथ इनका मुकाबला करते हैं। इन्होंने भी अपनी आर्मी मुख्तलिफ रंगों में डिवाइड की हुई थी। कुछ तीर फेंक रहे थे, कुछ नेजे चला रहे थे और कुछ इनको रोक रहे थे। वहाँ पर विलियम और उसके दोस्त को एक आदमी नजर आता है जो उस वक्त जनरल के साथ भी था। ये लोग उससे मदद मांगते हैं। दूसरी तरफ हम उस मॉन्स्टर की फीमेल को देखते हैं। उसके साथ दूसरे मॉन्स्टर्स भी थे जो कि उसको अटैक से बचा रहे थे। वो उनको लेकर आगे बढ़ती है और फिर हम देखते हैं कि ये सब दीवार पर चढ़ना शुरू हो जाते हैं और इनमें से एक मॉन्स्टर दीवार पर चढ़ने में कामयाब हो जाता है और वहाँ की आर्मी को मारने लगता है। और फिर वो आने लगता है विलियम और उसके दोस्त के पास कि तभी वो आदमी आता है जिससे ये लोग मदद मांगने का सोच रहे थे। वो आकर इनका हाथ खोल देता है और ये सब मिलकर उस मॉन्स्टर के साथ फाइट करने लगते हैं और ये तीनों वहाँ पर तीन मॉन्स्टर्स को मार देते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उस फीमेल मॉन्स्टर ने अपनी आर्मी को वापस बुला लिया है। जनरल इस बात से काफी खुश होता है और उनका बहुत शुक्रिया अदा करता है, लेकिन साथ ही साथ वो परेशान भी था क्योंकि ये सब मॉन्स्टर्स बहुत पावरफुल थे और अगर वो उनको ना मार सका तो ये सब इनके मुल्क पर कब्जा कर लेंगे और इन्हें भी मार डालेंगे। अब अगले दिन हम देखते हैं कि विलियम और उसका दोस्त नहाकर अच्छे कपड़े पहनकर जनरल के पास जाते हैं। जनरल ने उनकी इस कामयाबी पर उन्हें शाबाश देना थी। वो उनका वेलकम काफी अच्छे तरीके से करता है। वहाँ पहुँचते ही जनरल उसके लोगों से पूछते हैं कि तुम्हारे पास ऐसा कौन सा हथियार है जिससे तुम लड़कर इतना कुछ कर सकते हो। तो वो उन्हें ऐसी चीज दिखाता है जिसे देखकर सब हैरान रह जाते हैं। इनफैक्ट वो बहुत अच्छा निशानेबाज था और तीरों को चलाना तो उसके बाएं हाथ का खेल था। वो वहाँ पर अपनी पावर दिखाता है तो सब बहुत खुश हो जाते हैं। अब हम देखते हैं कि विलियम और कमांडर लिन आप इसमें बातचीत कर रहे होते हैं। लिन उसे बताती है कि मुझे अपने मुल्क के लिए लड़ना बहुत अच्छा लगता है, तो तुम क्या कभी किसी के लिए लड़े हो। तो विलियम कहता है कि हाँ, मैं पैसों के लिए लड़ता हूँ। फिर रात होती है और हम एक आदमी को देखते हैं जो उन दोनों को अपने पास बुलाता है। वो विलियम और उसके दोस्त से कहता है कि मैं भी ब्लैक पाउडर ढूंढने ही यहाँ पर पहुँचा हूँ। वो उनके साथ अपना आइडिया शेयर करता है। वो कहता है कि जब ये सब मॉन्स्टर से लड़ रहे होंगे तो हम यहाँ से ब्लैक पाउडर उठाकर भाग जाएंगे। विलियम और उसके दोस्त को भी आइडिया बहुत अच्छा लगता है और वो तीनों एक साथ ये प्लान बना लेते हैं। वहाँ पर आर्मी का लीडर उनसे पूछता है कि तुम्हारे पास ये पत्थर कहाँ से आया, जो कि एक मैग्नेट था, क्योंकि वो समझ रहा था कि इसकी हेल्प से उसकी आर्मी जीत सकती है। विलियम उसे पूछता है कि आखिर ये मॉन्स्टर्स आए कहाँ से। तो वो इन्हें
यह बताता है कि काफी साल पहले एक आग का गोला एक पहाड़ के ऊपर आकर गिरा था, जिसके बाद वो पहाड़ ग्रीन हो गया था और उसी में से ये मॉन्स्टर्स निकले। अब हर 60 साल बाद ये मॉन्स्टर्स बाहर आते हैं और दुनिया में फसाद फैलाते हैं, यानी लोगों पर अटैक करते हैं। और इनकी एक रानी भी है जो कि इनसे अपने सारे काम करवाती है। फिर हम देखते हैं कि रात हो चुकी है और एक मॉन्स्टर ने आर्मी के एक आदमी को मार दिया है। तो कमांडर लेन और जनरल वहां पर जाते हैं, वहां पर वो उस मॉन्स्टर को मार देते हैं, लेकिन जनरल देखता है कि उसके पीछे एक और मॉन्स्टर है। वो लिन को बचाने के लिए अपनी तलवार उस मॉन्स्टर के मुंह में दे मारता है, लेकिन वो मॉन्स्टर उसे भी अपने मुंह में ले लेता है, जिसकी वजह से वो बहुत जख्मी हो जाता है और इसी हालत में वो लिन को नया जनरल बनाकर मर जाता है। कुछ दिनों बाद हम एक आदमी को देखते हैं जो राजा की तरफ से कुछ कागज लेकर आया था। उसमें वो सब कुछ लिखा हुआ था कि कब कब इन मॉन्स्टर्स से लड़ाई हुई और कब कब मॉन्स्टर्स और इन लोगों की जंग हुई। उसमें ये भी लिखा था कि एक ऐसा गेट है जहाँ पर मॉन्स्टर्स जाके बिल्कुल चुप हो जाते हैं और लड़ाई भी नहीं करते। वो सब सोचते हैं कि हो सकता है वो गेट भी उसी पत्थर का बना हो जो विलियम के पास है, क्योंकि मॉन्स्टर्स ने विलियम के सब साथियों पर अटैक किया लेकिन विलियम पर नहीं किया। तो विलियम कहता है कि हम एक मॉन्स्टर को पकड़कर उस पर ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो विलियम का दोस्त उसे कहता है कि यार तुम किन कामों में पड़ गए हो, हमने जो काम करना था हमें जल्द से जल्द वो काम करना चाहिए और यहाँ से निकलकर भाग जाना चाहिए। लेकिन विलियम अभी वहाँ से भाग नहीं सकता था। अब अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि वो सब मॉन्स्टर्स को ढूंढने चले जाते हैं, लेकिन काफी फोग होने की वजह से उन्हें कोई मॉन्स्टर नजर नहीं आता। विलियम अपने दोस्त की बात की वजह से भी परेशान था, लेकिन वो इस तरह से जाना नहीं चाहता था, क्योंकि जब वो एक लुटेरा था तो कोई भी उसकी इज्जत नहीं करता था। तो वो चाहता था कि वो इन लोगों की मदद करके हमेशा से शाबाश हासिल करे और सब लोग उसकी तारीफ करें। फिर हम उसी आदमी को देखते हैं जिसने विलियम को यहाँ से ब्लैक पाउडर चुरा कर भाग जाने का प्लान बताया था। वो कहता है कि अपने दोस्त को छोड़ दो, हम दोनों यहाँ से चले जाते हैं, लेकिन विलियम हमेशा अपने दोस्त का साथ देना चाहता था। कि तभी हम देखते हैं कि अचानक से कुछ मॉन्स्टर्स आर्मी पर अटैक कर देते हैं और वो लोग भी उनको नेजे मार मार कर जख्मी कर रहे थे, लेकिन मॉन्स्टर्स काफी चालाक थे, वो नेजे निकाल कर अपने दोस्तों को बचाते रहते हैं। अब विलियम देखता है कि एक ऐसा मॉन्स्टर भी है जिसके आसपास दूसरा मॉन्स्टर नहीं है जो उसको बचा सके, तो वो फौरन से उसके पास जाता है ताकि वो उसे पकड़ ले। और फाइनली विलियम उसको पकड़ लेता है और अब उस पर एक्सपेरिमेंट किया जाता है उसी मैग्नेट के साथ। और जब वो लोग ये देखते हैं कि उस मैग्नेट यानी उस पत्थर से वो मॉन्स्टर वाकई डर रहा है और किसी पर अटैक भी नहीं कर रहा, तो वो बहुत खुश हो जाते हैं। अब वो आदमी जो इनके पास वो कागज लेकर आया था, वो अपने राजा को खुश करने के लिए ये मॉन्स्टर और मैग्नेट अपने साथ ले जाता है। राजा बहुत ही खुश होता है कि अब हमें तरीका मिल गया है जिससे हम मॉन्स्टर्स को कंट्रोल कर सकते हैं। अब एक रात आर्मी और कमांडर लेन कुछ अजीब सा फील करते हैं और जब वो जाकर दीवार के पास देखते हैं तो ये देखकर वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं, क्योंकि फीमेल मॉन्स्टर ने वहाँ पर एक सुरंग खोदी हुई थी, यानी एक बहुत बड़ी टनल जिसकी वजह से वो अंदर आ सकती थी। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि विलियम का दोस्त उसी आदमी के साथ वो ब्लैक पाउडर चुरा कर भागने का प्लान बना रहा होता है। तभी ये खबर विलियम तक भी पहुँचती है और वो उन्हें रोकने के लिए वहाँ पर आता है, तो वो आदमी उस पर अटैक कर देता है और वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। अब रास्ते में वो आदमी और विलियम का वो दोस्त जा रहे होते हैं कि वो आदमी उसे कहता है कि यार थोड़ा आगे रास्ता तो देख कर आओ, और जैसे ही विलियम का दोस्त रास्ता देखने जाता है तो वो आदमी उसे चीट करके वहाँ से भाग जाता है और सारा का सारा ब्लैक पाउडर भी उसी के पास था। अब जब कमांडर लेन को ये पता चलता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है और उसे लगता है कि विलियम ने अपने दोस्त की मदद जरूर की होगी। लेकिन तभी वहाँ पर एक आदमी कहता है कि नहीं, मैंने विलियम को देखा था कि ये तो रोक रहा था उन्हें। तो लेन उसे सजा से हटाकर एक जेल में कुछ वक्त के लिए बंद कर देती है, क्योंकि वो उस पर भी ट्रस्ट नहीं कर सकती थी। अब कमांडर लेन और बाकी सब लोग उस जगह पर जाते हैं जहाँ पर मॉन्स्टर्स ने उस टनल से आकर इन पर अटैक करना था और वहाँ पर विलियम भी इनको हराने के तरीके सोच रहा था। और उसे पता चलता है कि फीमेल मॉन्स्टर यानी इनकी रानी को मारने से ये सब कुछ खत्म हो सकता है, क्योंकि यही इनको कंट्रोल जो कर रही है। जब वो लोग वहाँ पर पहुँचते हैं तो देखते हैं कि बहुत सारे मॉन्स्टर्स वहाँ पर पहले से ही मौजूद हैं। उन लोगों की फाइट शुरू हो जाती है और विलियम भी उन पर अटैक करता रहता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो आदमी जो उस मॉन्स्टर और मैग्नेट को लेकर गया था, वो मैग्नेट थोड़ा दूर हटाकर देखता है कि क्या ये दूर से भी असर करता है। तो इसी बात का फायदा उठाकर वो मॉन्स्टर अपनी रानी को एक सिग्नल भेज देता है कि मैं यहाँ पर हूँ, और रानी वहाँ पर चली जाती है। तो विलियम एक प्लान बनाता है कि हम एक मॉन्स्टर को कैद करके उसे बहुत सारा खाना देंगे और उस पर ब्लैक पाउडर भी लगा देंगे कि वो हमारे कंट्रोल में भी रहे, और फिर जब वो अपनी रानी को खाना देने जाएगा तो मैं वहाँ से उस पर तीर फेंक दूंगा जिससे वो रानी मर जाएगी। अब ऐसा करने के लिए वो सब एक ऊंची जगह पर जाते हैं जहाँ से वो तीर फेंक कर रानी को मार सके।
सके। लेकिन जैसे ही विलियम उस पर तीर फेंकता है तो रानी के सब मॉन्स्टर्स उसको कवर कर लेते हैं, उसको बचा लेते हैं। विलियम बार बार उस पर अटैक करने की कोशिश करता है लेकिन रानी के बॉडीगार्ड्स यानी वो मॉन्स्टर्स उसे बचा लेते हैं। लेकिन अब की बार रानी ने विलियम को देख लिया था तो वो अपने मॉन्स्टर्स को कहती है कि इस पर अटैक कर दो, और सब मॉन्स्टर्स विलियम की तरफ भरते हैं। अब विलियम के पास एक ही ऐसा तीर बचा था जिस पर ब्लैक पाउडर लगा हुआ था। वो लिन की मदद से उस टावर से कूद जाता है। वो उस पर वो तीर फेंकने लगता है और साथ ही लिन भी एक निजा उसमें दे मारती है, जिसकी वजह से बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और रानी वहीं पर मर जाती है। और रानी के बाकी मॉन्स्टर्स भी बिल्कुल बेजान होकर उस टावर से नीचे गिरने लगते हैं। अब यहाँ पर कमांडर लिन और विलियम काफी खुश थे कि उन्होंने इस मुल्क को बचा लिया था। फिर हमें ये भी पता चलता है कि विलियम के दोस्त को इन्होंने पकड़ लिया था, और अब विलियम अपने दोस्त को भी आजाद करवाता है और वहाँ से अच्छे तरीके से ये दोनों चले जाते हैं। और इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू।